तो दोस्तों पीएनजी अंडर 19 वर्सेस इंडोनेशिया अंडर 19 का मुकाबला कवर करेंगे, लेकिन देखा जाए अंडर 19 वोमेन हो या फिर मेन हो सारे अच्छे जा रहे हैं हम लोगों का, लेकिन दिक्कत है इस बात की क्लेश बहुत ज़्यादा हो रहा है, जहाँ 10,000 देना चाहिए वहाँ 2,000 भी नहीं दे रहा, इतना ज़्यादा क्लेश हो रहा है। तो दोस्तों खैर वो अलग की बात है, अगर यदि आप ऐसे मुकाबले खेलना चाहते हो तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारे टेलीग्राम चैनल को आपको ज्वाइन करना, क्योंकि वहाँ पर मिलेगा आपको फाइनल टीम जिस टीम से मैं खुद खेलता हूँ, इनके अलावा जीएल का भी टीम मिलेगा, पिच रिपोर्ट मिलेगा, प्लेइंग 11 कोई नया प्लेयर खेले उनका रिकॉर्ड क्या है, यानी प्रॉफिट कमाने का विनिंग करने का सारा जरिया लाइनअप के बाद टेलीग्राम पर ही दिया जाता है। तो आपको ज्वाइन करना किस प्रकार है, तो मेरे भाई हमारा टेलीग्राम चैनल आपको इस प्रकार से दिखाई देगा, क्योंकि बहुत सारे फेक चैनल बने हुए हैं जो हूबहू आपको डोमेस्टिक प्लेइंग 11 नज़र आएगा, उनसे आपको बचना है। ओरिजिनल चैनल वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक या फिर कमेंट फर्स्ट पे पिन किया गया होगा टेलीग्राम का लिंक, वहाँ से जुड़ोगे तो ये ओरिजिनल चैनल पर चले आओगे, यहाँ पर बिल्कुल फ्री टीम प्रोवाइड किया जाता है। तो मेरे भाई सबसे पहला चीज़ तो एक चीज़ आपको समझना है कि पीएनजी का टीम जो है इंडोनेशिया की टीम से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो पीएनजी के सारा गेंदबाज कवर करने का प्रयास करेंगे। लेकिन एक चीज़ देखो, फर्स्ट मुकाबले में कुछ अलग गेंदबाज खेला था, सेकेंड मुकाबले में कुछ अलग गेंदबाज खेला, तो बदलाव हो रहा है गेंदबाज को, तो ये आपको ध्यान देना है। ये लास्ट मुकाबले का सारा गेंदबाज लेने का प्रयास करेंगे। अब देखो ये कम ओवर डाला है तो इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान कम देंगे, लेकिन पहले मुकाबले में फिर इन्होंने अधिक ओवर डाला तो वो आपको पता करना होगा। अगर यदि पीएनजी की टीम पहले गेंदबाजी कर रहा है तो लगभग सारे मेन गेंदबाज को पिक करना होगा, ऑलराउंडर को पिक करना होगा, और कैप्टन वीसी भी पीएनजी अंडर 19 के देना होगा। यह वीडियो थोड़ा सा आपको बातों को समझने लायक है। बल्लेबाजी में यहाँ पर देखा जाए, बोगे की बात कर ठीक ठाक बल्लेबाजी किया, डी टोम ने यहाँ पर 81 का योगदान दिया, मोमो की बात कर 31, और टाऊ ने यहाँ पर 30 का योगदान दिया। तो इनका बल्लेबाजी क्रम बढ़िया है पीएनजी का, लेकिन गेंदबाजी पहले कंप्लीट करने के बाद ही बल्लेबाजी पे फोकस करना। इनके अलावा दोस्तों पीएनजी का अगला देखा जाए, फिजू के खिलाफ जो खेला था यहाँ पर ये काफ़ी दिक्कतें में आई थी, 117 रनों के अंदर ऑल आउट तो जरूर किया, गेंदबाजी क्या रही, गेंदबाजी खास रही, यहाँ पर सारे गेंदबाजी इंपॉर्टेंट है, बस ये देखना है लाना के बाद कौन कौन से गेंदबाज खेलता है। बल्लेबाजी यहाँ पर फुल फ्लोप नज़र आ गई थी, तो इन सभी बातों का आपको खास ध्यान रखना है। दूसरा चीज़ है कि एन टाऊ लास्ट मुकाबला नहीं खेला, खेलेगा तो बढ़िया कैप्टन भाइस का चॉइस ये रहेगा। तो दोस्तों यही बात किया इंडोनेशिया अंडर 19 का, उतना भी बुरा टीम नहीं है इंडोनेशिया, फिर जो अंडर 19 की यहाँ पर देख सकते हो लगभग ऑल आउट कर दिया, तो इनका भी सारे के सारे गेंदबाजी इंपॉर्टेंट रहेगा। जैसे कि यहाँ पर देखोगे फिर जो अंडर 19 के सामने पीएनजी अंडर 19 वो भी काफ़ी दिक्कतें गवाई, 8-9 विकेट उन्होंने भी गवा दिए, और यहाँ पर फिजू अंडर 19 का भी इंडोनेशिया अंडर 19 ने दिक्कतें डाल दिया। तो यहाँ पर दोनों बढ़िया टीम है, गेंदबाज और ऑलराउंडर के ऊपर खेल होने वाला, तो इनका भी सारे के सारे गेंदबाज इंपॉर्टेंट है। मैं इसमें ज़्यादा फोकस इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि कौन सा खेलेगा नहीं खेलेगा उसके ऊपर पहले बात करेंगे, अभी कोई भी एक भी रुपया इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, अगर यदि करते हो तो ये गलत है। लाइनअप के बाद मैं आपको इन्फॉर्मेशन जैसा करूँगा वैसा आपको करना चाहिए। बल्लेबाजी इस प्रकार से, इनके कैप्टन साहब ने 24 का योगदान दिया, बाकी कोई खास करने वाला है नहीं। इनके अलावा दोस्तों भनुता अंडर 19 को यहाँ पर 122 रनों के अंदर ऑल आउट करते हैं, इनकी गेंदबाजी अच्छी है, इंडोनेशिया अंडर 19 की जो गेंदबाजी है लगभग सारे गेंदबाज इकोनॉमी के तहत गेंदबाजी करते हैं और अच्छी गेंदबाजी करते हैं, लगभग सामने वाली टीम को हर बार ये ऑल आउट भी करना है। तो अगर यदि पीएनजी अंडर 19 पहले बल्लेबाजी करेगा तो 100% वो भी ऑल आउट होगा, ऐसा नहीं, लेकिन थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है पीएनजी, ये आपको समझना होगा। तो यहाँ पर इनके कैप्टन साहब इस प्रकार से खेला था, तो ये रहा इनका बल्लेबाजी गेंदबाजी क्रम। तो मेरे भाई सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कॉम्बिनेशन, उनके ऊपर बात करेंगे, लेकिन इससे पहले अगर यदि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ड्रीम इलेवन से रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है मैं सबसे पहले इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। इनके अलावा कुछ जानकारी लेना हो इंस्टाग्राम पर मैसेज करो, मैं वहाँ पर सारे लोग का रिप्लाई भी देता हूँ, वो भी बेहतर तरीका से। तो दोस्तों यहाँ पर देखो एक चीज़ आपको समझना है, जैसे कि यहाँ पर पीएनजी का टीम पहले गेंदबाजी करेगा तो यहाँ पर क्या करना है आपको, पीएनजी का जितना भी बेस्ट से बेस्ट गेंदबाज है आपको पिक करते जाना है, क्योंकि सामने का टीम ऑल आउट होगा ये दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर 7 महीने पिक कर लिया, चलो ये बल्लेबाज है ये बल्लेबाज है, तब इन 7 में से कोई 1-2 नहीं खेलेगा उनको ड्रॉप करना, जो नया गेंदबाज खेले उनके ऊपर आपको भरोसा जताना है। अब दूसरा चीज़ यहाँ पर समझना है कि अब इंडोनेशिया का जो पिक करेंगे तो यहाँ पर इंडोनेशिया का यहाँ से ज़्यादा इनका गेंदबाज पिक करने का प्रयास करेंगे,
अब बल्लेबाज आपको पिक करना होगा। बल्लेबाज आप एक जो बल्लेबाज पिक करना है तो आपको क्या करना है, पीएनजी की तरफ से डिटो, दूसरा यहाँ पर बोगे का यहाँ पर सिलेक्शन आता है, बाकी विकेट कीपर भी जो करना है वो पीएनजी का करना है जो कि ज़्यादा बढ़िया रहेगा आपके लिए। अब यहाँ पर देखो दो महीने के बाद इंडोनेशिया का पिक किया, दो तो करना नहीं चाहिए, ज़्यादा करना चाहिए। अब यहाँ पर ये आपको आकलन लगाना कौन कौन सा प्लेयर नहीं खेलेगा, जो नहीं खेलेगा तो उनके जगह आपको लेते जाना है। जैसे पीएनजी की तरफ से ये नहीं खेलेगा तो इनके जगह हम लोग ले लेंगे इंडोनेशिया वुमेंस का गेंदबाज, फिर जो ना खेले उनके जगह ले लेंगे। तो आपको करना क्या है, अगर यदि पीएनजी अंडर 19 पहले गेंदबाजी करे तो उनका सारा गेंदबाज लेने का प्रयास करना है, इंडोनेशिया अंडर 19 पहले गेंदबाजी करे तो उनका भी सारा गेंदबाजी लेने का प्रयास करना है। लेकिन पीएनजी अंडर 19 बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो गेंदबाजी करे पहले या बल्लेबाजी करे सारा उनका भी लेना है इनका भी, यानी जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके गेंदबाज ऑलराउंडर के ऊपर जाना है और कैप्टन वीसी भी उन्हीं के ऊपर देना है। तो इन्वेस्ट क्या करना, सारा कुछ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपडेट करूँगा तभी इन्वेस्ट करना, पहले इन्वेस्ट मत करना, हो सके मैच रिस्की हो जाए तो स्किप भी कर सकता हूँ। तो मेरे भाई आशा करते हैं लक्ष्मी माँ विसरी माँ ओल भगवान की कृपा से हम लोगों का रिजल्ट बेहतर जाए, सारे लोगों पर सरस्वती माँ की कृपा बनी रहे, इसी उम्मीद के साथ वीडियो को भी समाप्त करता हूँ।